नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिक फैक्ट चैनल पर। आज एक आया हुआ है आरबीएनएल का जो आंसर की है टेक्नीशियन TG2 ग्रेड 2 के लिए, टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए इलेक्ट्रिशियन पार्ट का। ये आपको मैं सारा क्वेश्चन लेके आया हूँ और ये अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है आपका जो इस आंसर की है, हाल ही में निकला हुआ है। तो अब इसके बारे में हम, चलिए प्रश्न नंबर जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी मैं इसका आंसर बताते जाता हूँ। क्वेश्चन था, प्रत्यावर्ती धारा के डैश का अभिप्राय उस प्रत्यावर्ती धारा के समयावधि के उस अंश से है जो कि तब बीत चुका होता है जब धारा पिछले संदर्भ की शून्य स्थिति से होकर गुजरी होती है। इसका सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन सी था इसका सही आंसर, ए जो एग्जाम के अनुसार। चलिए प्रश्न नंबर दो देख लेते हैं। एक डैश रोटर में कंडक्टर का वहन करने के लिए समांतर खांचों वाली एक बेलनाकार लैमिनेटेड कोर होती है जो तांबा, एल्युमिनियम या मिश्र धातुओं की भारी छड़े होती हैं। इन खांचों में छोर से छड़ों को प्रविष्ट करने के बजाय प्रत्येक खांचे में एक छड़ रखी जाती है जब आधे बंद खांचों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये जो खासियत बताई गई है, अगर आप इसको इंग्लिश में देखते हो तो ये स्क्वायरल केज मोटर का ये जो खासियत है, बंद अर्धबंद ये सभी प्रकार के जो होते हैं, किस प्रकार मतलब जो रोटर होता है ये रोटरों का टाइप है और ये होता है स्क्वायरल केज मोटर में, ठीक है, स्क्वायरल केज मोटर के रोटर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो विभक्त फेज वो एक सिंगल फेज मोटर होता है, सही बात है। सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, ये भी सही बात है। जब मोटर निर्धारित रेटेड गति के 3/4 तक पहुंच जाती है तब स्विच मैग्नेटिज्म स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देता है, ये भी सही बात है। तो इसका कौन सा नहीं है? लास्ट ऑप्शन सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होता है, सही बात दोस्तों। सिंगल फेज जो मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, यानी चौथा ऑप्शन गलत है। चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक डीसी मोटर स्टार्टर नहीं है? तो इसका सही आंसर है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, इससे डीसी मोटर स्टार्ट नहीं होती है। 4 पॉइंट स्टार्टर डीसी मोटर स्टार्ट करता है, 3 पॉइंट स्टार्टर डीसी मोटर स्टार्ट करता है। तो तीसरा ऑप्शन डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर एसी मोटरों के लिए प्रयोग की जाती है। चलिए अगला देखते हैं, पाँचवा। अ 50 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ 150 वोल्टेज आरएमएस इज अप्लाइड इमीडिएटली टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, डिटरमाइन द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंस करंट। तो इसका ऑप्शन ए सही था, आई इक्वल टू 21.213 साइन 100 पाई टी, ठीक है, और इसका ए ऑप्शन सही था। चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं। अल्टरनेटर स्टेटर कोर के निर्माण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से कौन सा कथन गलत है दोस्तों, बस यही देखना है, गलत को हमें देखना है। तो ऑप्शन बी जो है इसका, आर्मेचर चालकों के स्थापन हेतु स्लॉट कोर की बाह परिधि के साथ स्थित होते हैं, ठीक है, इसका ऑप्शन बी गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओम के नियम के अनुसार भी और आई के मध्य का रैखिक संबंध डैश पर लागू नहीं होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जेनर डायोड, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी पदार्थ का वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिसके कारण यह स्वयं से होकर प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है? इसे कहते हैं दोस्तों प्रतिरोध, ठीक है। चालकत्व तो जो होता है वह तो विद्युत धारा को बहने में मदद करता है, और प्रतिघात जो होता है वो इंपीडेंस और रिएक्टेंस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, नौवां। डैश वितरण प्रणाली को प्राथमिक वितरण प्रणाली और माध्यमिक वितरण प्रणाली के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इस एसी में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य बिंदु पर रखे हुए डैश के संख्यात्मक रूप से बराबर होता है, इसका भी आंसर है ऑप्शन बी 1 वेबर वाले यन ध्रुव पर लगने वाले बल के बराबर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां। जब लेड एसिड बैटरी पूर्ण रूप से आवेशित होती है तब यह कैथोड पर डैश और एनोड पर डैश मुक्त करती है, यानी कैथोड पर हाइड्रोजन मुक्त करती है और एनोड पर ऑक्सीजन मुक्त करती है, इसका ऑप्शन सी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां। एक स्थित उपकरण यानी स्टैटिक पीस ऑफ अपरेचर है जिसके माध्यम से एक परिपथ की विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर को दूसरे परिपथ की उसी आवृत्ति वाली विद्युत शक्ति में रूपांतरित किया जाता है, आपको यह पता है कि इसका सही आंसर है परिणामित्र, परिणामित्र को ही ट्रांसफार्मर कहा जाता है, ठीक है।
म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू बिना किसी कनेक्शन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में विद्युत को सप्लाई करना, ये म्यूचुअल इंडक्शन इंडक्शन का मेन है। तो यही इसका नाम ट्रांसफार्मर को ही प्रणामित्र कहते हैं हिंदी में। चलिए अगला प्रश्न 13वां देखते हैं। निम्न में से किस प्रकार के यंत्रों का कार्य मापी जाने वाली धारावाहक कुंडली में आयरन वेन के आकर्षण पर निर्भर करता है? तो इसका ऑप्शन एक मूविंग आयरन यंत्र सही है, ठीक है। मूविंग आयरन यंत्र यानी MI टाइप, जो कि DC और AC दोनों पे वर्क कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 14वां। 220 वोल्ट DC मोटर में आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम है। यह एक निश्चित लोड को संचालित करने के लिए 20 एम्पियर के आर्मेचर धारा लेता है। यदि ब्रश ड्रॉप 2 वोल्ट है तो मोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF कितना होगा? इसका ऑप्शन सी सही है दोस्तों, क्योंकि 3.208 वोल्ट, ठीक है। मैं इसको आपको कैलकुलेशन करके नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा और इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला देखते हैं 15वां क्वेश्चन। व्हीट स्टोन ब्रिज की चार भुजाओं के प्रतिरोध इस प्रकार है, AB बराबर 100, BC बराबर 10, CD बराबर 4 और DA बराबर 50 ओम। BD के मध्य एक 20 ओम प्रतिरोध का गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। यदि AC के मध्य 10 वोल्ट का विभवांतर बना हुआ है तो गैल्वेनोमीटर से होकर प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 3.5, ठीक है, 3.5 मिली एम्पियर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 16वां। वैक्यूम क्लीनर में निम्न में से किस प्रकार की मोटर का उपयोग की जाती है? वैक्यूम क्लीनर और मिक्सर में यूनिवर्सल टाइप मोटर प्रयोग की जाती है। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से डैश को छोड़कर शेष सभी टाइप के इंसुलेटर लोकप्रिय रूप से ओवरलोड लाइनों में प्रयुक्त होते हैं। इसका ऑप्शन ए सही है, स्ट्रेस टाइप, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। यूनिवर्सल मोटर जिनका उपयोग खाद्य और पेय मिक्सर में किया जाता है में कई गति होती हैं। गति चयन मोटर के भीतर स्थित निम्न में से किस तंत्र के द्वारा किया जाता है? तो एक किया जाता है केंद्र प्रसारक तंत्र यानी सेंट्रीफ्यूगल मैग्नेज़म, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निर्माण के अनुसार सर्पिल मोटर या वाउंड कोर टाइप ट्रांसफार्मर को डैश के नाम से भी जाना जाता है, यानी स्पाइरा कोर टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। घरों, इमारतों तथा कारखानों में निम्न पावर वर्क यानी लो पावर वर्क हेतु वायरिंग के लिए डैश का उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन सी सही है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, PVC, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडक्शन मोटर के संदर्भ में रोटर या मोटर की गति डैश द्वारा ज्ञात की जाती है, यानी फार्मूला पूछ रहा है। तो इसमें N=NS × 1 - S, ठीक है। यस यहाँ पर स्लिप है और N जो है यहाँ रोटर की स्पीड और NS यानी स्लिप जो फ्लक्स की स्पीड को NS से दिखाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 22वां। सेंसिटिविटी ऑफ रिले इज अ फंक्शन ऑफ डैश इनपुट द कॉइल ऑफ द रिले नेसेसरी टू क्यूज इट्स ऑपरेशन। ऑप्शन 4 इसका सही है, इसका ऑप्शन वोल्ट एम्पियर, ठीक है। देखिए कोई भी रिले होता है वो करंट और एम्पियर के ऊपर ही वर्क करता है, इसकी जो विशिष्टता निर्भर करती है वो इसी के द्वारा प्रयुक्त होता है। और डैश, अगला प्रश्न देखते हैं। डैश में वोल्टेज का वह परास शामिल होता है जिस पर अंतिम उपभोक्ता खुद को वितरित विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है? तो इसका सही आंसर है द्वितीयक वितरण प्रणाली, ठीक है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखते हैं 24वां, ठीक है। मनुष्य का शरीर इसलिए आघात महसूस करता है क्योंकि शरीर में होकर डैश का प्रवाह होता है, धारा का, ठीक है। धारा जब प्रवाह करती है शरीर में से तभी आदमी को करंट लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं। चांदी के एक तार के टुकड़े को प्रतिरोध 1 ओम है। यदि शीशा का विशिष्ट प्रतिरोध चांदी की तुलना में 30 गुना हो तो चांदी के तार की 1/3 लंबाई और 1/3 व्यास वाले शीशे के तार का प्रतिरोध कितना होगा? इसका सही आंसर होगा 90 ओम दोस्तों, क्योंकि जो लेड होता है उसका चांदी के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है और भले व्यास घटा दें फिर भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा ही, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग उन टरबाइनों हेतु भाप के उत्पादन के लिए किया जाता है जो कि अल्टरनेटरों को प्रचालित करता है? इसका सही आंसर है तापीय, ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक फेज परिणामित यानी एक फेज ट्रांसफार्मर में 400 टर्न प्राथमिक और 1000 द्वितीयक वर्तन है यानी टर्न है। कोर के शुद्ध अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 60 cm² है। यदि प्राथमिक कुंडलन 500 वोल्ट पर और 50 Hz की आपूर्ति से जुड़ा हुआ है तो द्वितीयक कुंडलन वाइंडिंग में प्रेरित वोल्टेज ज्ञात कीजिए। इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3 1250 वोल्ट। ए आप जो है इसका आंसर उस फार्मूला से निकाल सकते हैं जो N1 / N2 = जो
उसका फार्मूला होता है, एक वोल्टेज और करंट को आप निकाल सकते हो ट्रांसफार्मर के नियतांक के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं 28वां, एक्स और वाई के मध्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, प्रतिरोधों के सभी मान ओम में हैं, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन एक 5.866 ओम। दोस्तों अपना कापी पेन निकाल लीजिए और इसको मिलाते जाइए जो जो मैं आंसर बताते जा रहा हूँ। समान धारिता और वोल्टेज अनुपात के लिए किसी ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए आवश्यक तांबे का भार दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर डैश के बराबर है, यानी ऑप्शन बी इसका सही है, की तुलना में कम होता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर की तुलना में कम होता है। ऑप्शन अगला प्रश्न देखते हैं 30वां, लेड एसिड बैटरी की ए दक्षता सामान्य रूप से कितनी होती है, 90 से 95%, ठीक है। इसका सही आंसर है 90 से 95%। अगला देखते हैं, वितरण प्रणाली के निर्माण के संबंध में समतुल्य भूमिगत प्रणाली की तुलना में ओवरहेड प्रणाली दैस होती है, यानी 2 से 10 गुना सस्ती, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 32वां, चूंकि कोयले का कैलोरी मान कम होता है इसलिए एक आधुनिक कोयला वाले थर्मल स्टेशन में ऐसी अतिरिक्त प्रक्रियाओं द्वारा दक्षता बढ़ाई जाती है जो कि डैश जैसी ऑयल फायरिंग का उपयोग करती है, पल्वराइजिंग एक होता है ऑप्शन दोस्तों कि इसे क्या होता है, कोयले को चूर्ण के रूप में बना के तब उसको भट्टी में झोंका जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 33वां, श्रेणी आरएल परिपथ में केवीए को डैश में गुणा करके सक्रिय बल एक्टिव पावर प्राप्त किया जाता है कॉस फाई का, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी इंडक्शन मोटर के लिए डैश प्रति स्टेटर पोल फ्लक्स और रोटर धारा के गुणन फन के समानुपाती होता है, बल आघूर्ण, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका ऑप्शन 4 सही था 34वां का। 35वां देखते हैं, एक सर्किट ब्रेकर के आर्किंग अवधि के दौरान संपर्कों के बीच प्रवाहित होने वाली धारा डैश पर निर्भर करती है, इसका ऑप्शन 4 सही है, आर्क प्रतिरोध पर। 36वां देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द वर्किंग प्रिंसिपल एसी मोटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ऑल द फॉलोइंग टाइप्स एक्सपेक्ट, इसका सही है ऑप्शन 4 स्टेपर मोटर। अगला देखते हैं, ताम्र हानि को डैश के नाम से जाना जाता है, ओमिक हानि के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, 50 ओम का शुद्ध प्रतिरोध 100 माइक्रोफेरेड की धारिता के साथ श्रेणी क्रम में है, यह श्रेणी संयोजन 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से जोड़ा जाता है, प्रतिरोध के वोल्टेज की गणना कीजिए, इसका सही आंसर है 84.2 वोल्ट, ऑप्शन 3 इसका सही है दोस्तों। अगला देखते हैं, विद्युत जनित्रों के मामले में प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ की दिशा किसके उपयोग द्वारा प्राप्त की जा सकती है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम के द्वारा। अगला देखते हैं, डैश एक ऐसा मोटर है जिससे सिरेमिक चुंबक पदार्थ के ऐसे रोटर लगे होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता लगभग इंसुलेटर के समान होती है, परिणाम स्वरूप इस तरह के मोटर में भंवर धाराएं स्थापित करना असंभव है, इसलिए कोई भंवर धारा हानि नहीं होती, हां लेकिन केवल हिस्टैरिसिस हानि ही होती है, तो इसका सही आंसर है हिस्टैरिसिस मोटर दोस्तों, इसको हिस्टैरिसिस मोटर के नाम से जाना जाता है। ऊर्जा की एक इकाई के उत्पादन की लागत उत्पादन की विधि और डैश की लागत पर निर्भर करती है, पारेषण लाइन हानि के लागत पर भी निर्भर करती है दोस्तों। इसका अगला प्रश्न देखते हैं 42वां, 6 पोल डीसी जनरेटर की आर्मेचर में 600 चालकों वाली वेव वाइंडिंग है, यदि प्रति पोल फ्लक्स 0.05 वेबर है और गति 250 आरपीएम है तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल की गणना करें, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 375 वोल्ट। चलिए अगला देखते हैं 43वां, सर्किट ब्रेकर के संदर्भ में निम्न में से किस एक तथ्य को छोड़कर शेष सभी सत्य हैं, इसका सही आंसर है किसी भी स्थिति में सर्किट को स्वचालित रूप से तोड़ना, है ना, ये इसको छोड़कर सभी सत्य हैं क्योंकि किसी भी क्षण नहीं तोड़ता, जब कोई हानि होती है कोई प्रॉब्लम होती है तभी सर्किट ब्रेकर यानी रिले तोड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 44वां, 300 आरपीएम की गति से चलने वाला एक वेव वाइंडिंग वाला डीसी जनरेटर प्रति पोल 55 मिली वेबर का फ्लक्स होने पर लगभग 535 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, यदि चालकों की संख्या 650 है तो पोल की संख्या बताइए, पोल की संख्या है दोस्तों 6, ऑप्शन 4 यानी ऑप्शन डी इसका सही है, हाँ चालकों की पोल की संख्या 6 है। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध प्रतिरोध वाले एक श्रेणी परिपथ में धारा वोल्टेज के निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है, इसका ऑप्शन जो है ए सही है ना, परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करनी है तो ऑप्शन ए सही है 3 ओम, ठीक है। यदि प्राथमिक कुंडल में 40 लूप और द्वितीयक कुंडल में 8 लूप हैं तो वोल्टेज डैश द्वारा होता है, यानी 5 गुना स्टेप डाउन होता है, ठीक है, 5 गुना स्टेप डाउन होगा। चलिए एक परिपथ में लागू वोल्टेज 100 वोल्ट है और एक और 10 एम्पियर की धारा को 30 डिग्री पश्चाताल लैग पाया जाता है, यानी लैगिंग पाया जाता है
पावर फैक्टर का मूल्य क्या है? तो 0.866 अग्रता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा I बराबर 414 साइन यानी टू पाई इंटू 50 इंटू टी, ठीक है, एक ऐसे सीरीज सर्किट में होकर प्रवाहित की जा गई है जिसमें 100 ओम का प्रतिरोध और 0.31831 हेनरी का प्रेरकत्व है। प्रतिरोधक में वोल्टेज के तांत्रिक मान हेतु व्यंजक निर्धारित कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वी बराबर 41,400 साइन 100 पाई टी, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है दोस्तों। 49वां देखते हैं। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती धारा का धारिता प्रतिघात 10 ओम है। यदि आवृत्ति बढ़ाकर 100 हर्ट्ज कर दी जाए तो धारिता प्रतिघात ओम यानी डैश ओम हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वितरण प्रणाली में ओवरहेड लाइनों के संदर्भ में डैश को छोड़कर शेष सभी सर्वाधिक सामान्य रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले चालक पदार्थ हैं। दोस्तों सीसा एक चालक पदार्थ नहीं है और इसको इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है। एल्युमिनियम को इस्तेमाल किया जाता है, तांबा को इस्तेमाल किया जाता है और स्टील कोर वाली एल्युमिनियम कंडक्टर को भी इस्तेमाल किया जाता है। 51वां देख लेते हैं। 230 वोल्ट के प्रभावी मान का 60 हर्ट्ज वोल्टेज 0.265 हर्ट्ज की धारिता पर आरोपित किया जाता है। धारिता प्रतिघात कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्ञात कीजिए। ऑप्शन इसका सी सही है दोस्तों, 100 ओम। अगला देखते हैं। अधिकांश रिले निम्न में से किस दो मुख्य सिद्धांतों पर कार्य करती हैं? ऑप्शन सी इसका सही है, विद्युत चुंबकीय आकर्षण और विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी उपकरण के विद्युतीय रूप से सजीव भाग को स्पर्श करता है तो सोपानी विभव डैश होता है। ऑप्शन ए इसका सही है, विद्युत चालित और सजीव सतह पर चलने पर व्यक्ति के दो पैरों के बीच का विभव, ठीक है, इसी वजह से करंट लगता है, इसको बोलते हैं स्टेप करंट, है ना। इन फेज डिफरेंस डैश अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज वन विच रीचेज इट्स मैक्सिमम और जीरो वैल्यू लेटर देन द अदर क्वांटिटी, ठीक है। इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन सी, लैगिंग, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिरोधकता अनुपाते चालकता और समानुपाते ओम मीटर, तो इसी के लिए ओम जिस प्रकार प्रतिरोधकता से चालकता संबंधित है यानी प्रतिरोधकता का उल्टा चालकता है, ओम मीटर का मतलब कि उल्टा क्या होगा, सीमेंस मीटर जिसको बोलते हैं, इसी से चालकता को मापा जाता है, ठीक है, कंडक्टेंस को मापा जाता है। यदि एक तार मैग्नीन का बना है जिसकी प्रतिरोधकता 50×10⁻⁸ ओम मीटर है तो 100 मीटर लंबाई और 0.1 mm स्क्वायर के एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले इस तार के प्रतिरोध की गणना कीजिए। इसका ऑप्शन ए सही है, 500 ओम, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तुल्यकालिक मोटर के लिए तुल्यकालिक गति डैश द्वारा दी जाती है। हाँ, इसका आंसर मुझे पता करना है। तुल्यकालिक मोटर की जो तुल्यकालिक गति होती है उसको ज्ञात किया जाता है ऑप्शन बी, NS=120 F/P यानी 120 इंटू फ्रिक्वेंसी अपान में पोल, ठीक है। तो इसका आपका जो फ्लक्स स्पीड है ना, सिंक्रोनस स्पीड, वो निकल जाएगा। चलिए 58वां देखते हैं। तापमान में वृद्धि के साथ डैश, उसके बाद तापमान में वृद्धि के साथ इलेक्ट्रोलाइट के प्रतिरोध में कमी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्किट ब्रेकर में आर्क के प्रतिरोध को निम्न विधियों में से किसी एक को छोड़कर से सभी विधियों द्वारा बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। आर्क की पाउडर से कोटिंग, इसको छोड़कर सभी विधियों से इसका प्रतिरोध बढ़ाया जा सकता है। चलिए 60वां प्रश्न देख लेते हैं। वितरण प्रणाली के वर्गीकरण की बात करें तो निम्न में से किस एक को छोड़कर से सभी मानदंडों पर आधारित होता है? ऑप्शन ए सही है, ओवरहेड प्रणाली की प्रकृति, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिकर्षण मोटर, रिपल्सन मोटर जिसको बोलते हैं, के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें ब्रश पर स्पार्किंग की कोई संभावना नहीं होती, यही गलत है क्योंकि इस पर पूरी संभावना होती है कि इस पर ब्रश में स्पार्किंग होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंडक्शन मोटर के संदर्भ में एक दूसरे से 90° पर स्थापित दो समान वाइंडिंग वाला दो पोल स्टेटर डैश को संदर्भित करता है। इसका टू फेज आपूर्ति, ठीक है, यानी वो मोटर दो फेज वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा फ्यूज तत्वों का आवश्यक गुणधर्म नहीं है? कौन सा आवश्यक गुणधर्म नहीं है, उनकी विशेषता नहीं है? विस्तार के उच्च गुणांक यानी हाई कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन। अगला देखते हैं। एक चांदी के तार, सोलू एक काम चला,
एक चांदी का तार और एक तांबे का तार समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, उनके संबंधित विशिष्ट प्रतिरोध 49:24 के अनुपात में है। पहला तार दूसरे तार की अपेक्षा 80% अधिक धारा को वहन करता है, का वहन करता है, और पहले तार की अपेक्षा दूसरे तार की लंबाई 47% अधिक हो। उन दोनों तारों के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफलों के अनुपात का गणना कीजिए। तो इसका सही आंसर है 2:5:1, इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, रिले सिस्टम की निम्न कारणों में से डैश को छोड़कर से सभी के लिए जितनी जल्दी हो सके दोषपूर्ण भाग को डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सिस्टम की विफलता को रोकने के लिए उच्च वोल्टेज उत्पन्न कराने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 50 माइक्रोफेरेड संधारित्र को 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से जोड़ा जाता है, उच्चतम धारा का मान ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 यानी ऑप्शन डी 5.11 एम्पियर। जब बैटरी एक बाह्य परिपथ से डिस्चार्ज हो रही होती है तब जिस इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है वह धन इलेक्ट्रोड होता है, ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, डीसी मशीनों के संदर्भ में लैप वाइंडिंग के कई समांतर पथ होते हैं, इस तरह डैश के अधिक अनुकूल होती है, ऑप्शन एक सही है इसका, उच्च धारा निम्न वोल्टेज डीसी मशीनों में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, माप यंत्रों के प्रकार कौन से हैं, निरपेक्ष और द्वितीयक। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन एक है ना, ऑप्शन ए है, निरपेक्ष है द्वितीयक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली विद्युत मशीन को क्या कहा जाता है, विद्युत जनित्र। ठीक है, निम्न में से वह विद्युत रोधी सामग्री कौन सी है जिसका उपयोग सेल में धनात्मक व ऋणात्मक प्लेटों के मध्य धात्विक संपर्कों की रोकथाम के लिए किया जाता है, लेकिन यह प्लेटों के मध्य आयनों के प्रवाह को नहीं रोकता। इसका सही आंसर है सेपरेटर, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं, 20 माइक्रोफेरेड की धारिता वाला एक संधारित्र 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से 120 ओम के गैर प्रेरण प्रतिरोध नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, हुआ है, शक्ति यानी पावर की गणना कीजिए। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 30.20 वाट। अगला प्रश्न देख लेते हैं, द टाइम बिटवीन द स्टार्ट ऑफ द फॉल्ट एंड द एक्यूरेंस ऑफ द डिसकनेक्शन इज डैश यानी प्री अरेजिंग टाइम। ठीक है, प्री आर्किंग टाइम। अगला देख लेते हैं, एक तुल्यकालिक मोटर के लिए मोटर द्वारा विकसित डैश लोड एंगल या कपलिंग एंगल पर निर्भर करता है, ऑप्शन ए सही है, टार्क। ठीक है, अगला देख लेते हैं, सुरक्षात्मक रिले द्वारा अपने कार्यों को संतोषजनक ढंग से करने के लिए उसमें निम्न में से डैश को छोड़कर से सभी गुणधर्म आवश्यक होते हैं, जटिलता, ठीक है, ये इसको छोड़ के बाकी सभी होते हैं, विश्वसनीयता, सुग्राह्यता, किफ़ायती, ये सभी होते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं, राशि √R² + XL² को परिपथ के डैश के रूप में जाना जाता है, प्रतिबाधा के रूप में। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, चक्र प्रति सेकेंड की संख्या को प्रत्यावर्ती मात्रा की आवृत्ति कहा जाता है। अगला देख लेते हैं, जब स्टेशन में वितरण के लिए डैश आपूर्ति 2 वायर या वितरण के लिए 3 वायर होता है तो यह सब स्टेशन में वितरण के लिए डीसी आपूर्ति 2 वायर या वितरण के लिए 3 तार होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, डैश मोटर कभी भी बिना लोड के चालू नहीं होता है। ठीक है, डीसी सीरीज मोटर बिना लोड के कभी चालू नहीं होता। वह न्यूनतम धारा यानी डैश वह न्यूनतम धारा जिस पर फ्यूज तत्व पिघलता है और उसके द्वारा सुरक्षित परिपथ को वियोजित कर देता है, इसका मान फ्यूज तत्व की धारा रेटिंग से अधिक होती है, ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, फ्यूजिंग धारा उसको कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, 100 वोल्ट वाली बैटरी से होकर प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए जब सभी प्रतिरोध ओम में हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही है, 20 एम्पियर। ठीक है, और इसको मैं कैलकुलेट करके आपको बता दूंगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक कुंडली को 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा गया है और यह 10 एम्पीयर की धारा लेती है, कुंडली में 1000 वाट की हानि होती है, कुंडली की प्रतिबाधा ज्ञात करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 20 ओम। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, डैश में प्रतिरोधकता होती है जो इंसुलेटरों से कम और चालकों से अधिक होती है, इसका ऑप्शन बी सही है, अर्धचालकों से। ठीक है, वह मोटर जो प्रतिकर्षण और प्रेरण प्रकार
प्रकारों का एक संयोजन होता है जिसमें प्रतिकर्षण मोटर की वांछनीय विशेषता और एक प्रेरण मोटर के स्थिर गति संबंधी विशेषताएं होती हैं, उसे क्या कहा जाता है? स्क्वायरल केज प्रतिकर्षण मोटर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। चलिए अगला देखते हैं, 50वां। एक डैश गुणधर्म है जिसके द्वारा ठोस पिंड का टुकड़ा लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करता है। ऑप्शन बी चुंबकत्व। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चुंबकत्व और वैद्युत चुंबकत्व की परिघटना माध्यम मीडियम के कहलाने वाली विशिष्ट गुणधर्म पर निर्भर करती है। इसका ऑप्शन डी सही है, पारगम्यता, परमिबिलिटी जिसको कहते हैं। अब 87वां प्रश्न देखते हैं, अल्टरनेटर के निर्माण के संदर्भ में डैम्पर वाइंडिंग असंतुलित लोड की स्थिति के तहत संतुलित डैश बनाए रखने में सहायक होती है, यानी संतुलित थ्री फेज वोल्टेज बनाए रखने में। ऑप्शन सी इसका सही है। चलिए अगला देख लेते हैं, 88वां प्रश्न, प्रतिकर्षण मोटर एसी सीरीज मोटर और गैर उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर किसके उदाहरण है? ऑप्शन ए सिंगल फेज मोटर के। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न 89वां प्रश्न, एक समकालिक मोटर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन दो, यह विविध गतियों पर चलता है। ठीक है, समकालिक मोटर जो है विविध गतियों पर नहीं चल पाता है, यानी तुल्यकालिक मोटर के बारे में बात हो रही है। चलिए अगला 90वां प्रश्न देख रहे हैं, ए और जी के मध्य वोल्टेज ज्ञात कीजिए, प्रतिरोधे के सभी मान ओम में हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, ठीक है, 30 वोल्ट। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फ्यूज के संदर्भ में कुल प्रचालन अवधि डैश के द्वारा दी जाती है। ऑप्शन दो, प्री आर्किंग टाइम प्लस आर्किंग टाइम। ठीक है, अगला प्रश्न 92, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का मोटर है जिसमें आवश्यक फेज स्प्लिटिंग प्रेरण मोटर द्वारा निर्मित किया जाता है और उसे स्टेटर पर क्षेत्र कुंडली ध्रुव और एक स्क्वायरल केज प्रकार का रोटर होता है? ऑप्शन फोर, सैडेड पोल सिंगल फेज मोटर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न विकल्पों में से एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के बीच अंतर का चयन करें। डीसी जनरेटर में आर्मेचर घूमता है और क्षेत्र प्रणाली स्थिर रहती है, और एसी जनरेटर में बिल्कुल इसके विपरीत जो है आर्मेचर स्थिर रहता है और क्षेत्र प्रणाली घूमती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 94वां, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि तर्जनी क्षेत्र की दिशा को निर्दिष्ट करता है और मध्यमा द्वारा धारा की दिशा निर्दिष्ट करता है तो अंगूठा क्या बताएगा? तो इसका गति बताएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, उस तार के प्रतिरोध की गणना कीजिए जिसकी लंबाई 200 मीटर है जिसके अनुप्रस्थ काट का एक समान क्षेत्रफल 0.01 mm² और इसकी प्रतिरोधकता 60 μΩ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 12 kΩ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, लेड एसिड मोटर की वाट आवर दक्षता कितनी होती है? 72 से 80%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, परिणामी यानी ट्रांसफार्मर में प्रतिरोधी कुंडलन छत इंसुलेटेड वाइंडिंग वाउंड किस पर होते हैं? या फेरोमैग्नेटिक कोर, ठीक है, इस पे होते हैं, फेरोमैग्नेटिक कोर पे होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक डीसी संट जनरेटर में 100 ओम का संट फील्ड वाइंडिंग प्रतिरोध या 250 वोल्ट के वोल्टेज पर 5 किलोवाट के लोड की आपूर्ति करता है। यदि आर्मेचर में प्रतिरोध 0.22 ओम है जो ब्रश वोल्टेज को नगण्य मानते हुए जनरेटर के प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF की गणना करे। ऑप्शन बी इसका सही है, 255 वोल्ट। ठीक है, एक परिणामित यानी एक ट्रांसफार्मर विद्युत ऊर्जा को डैश के द्वारा एक निश्चित वोल्टेज और धारा के स्तरों से दूसरे वोल्टेज और धारा के स्तरों में रूपांतरित करता है आपूर्ति की आवृत्ति को समान बनाए रखते हुए। इसका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में आवृत्ति कभी चेंज नहीं होती। दोस्तों अगला 7वां प्रश्न देख लेते हैं, तांबे के चालक का प्रतिरोध सैद्धांतिक रूप से डैश पर शून्य हो जाता है, यानी ऑप्शन फोर है ना, -234.5°C। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, पूरी वितरण प्रणाली में उद्योग और घरों के अनुप्रयोगों के लिए वोल्टेज को डैश का उपयोग करके उपयुक्त वोल्टेज और रूपांतरित किया जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 102वां, इंडक्शन मोटर के संदर्भ में डैश थ्री फेज वाइंडिंग का वहन करता है और इसे थ्री फेज आपूर्ति से विद्युत आपूर्ति की जाती है। इसका ऑप्शन फोर सही है, स्टेटर। ठीक है, इंडक्शन मोटर के संदर्भ में स्टेटर थ्री फेज वाइंडिंग का वहन करता है और इसे थ्री फेज आपूर्ति से विद्युत आपूर्ति की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रांसफार्मर में घर्षण और वायु घर्षण हानियां कितनी होती है? 0। ठीक है, ट्रांसफार्मर में किसी प्रकार की घर्षण हानि नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, 104वां प्रश्न, विद्युत जनित्र के मामले में डैश में इसकी परिधि पर खांचे होते हैं और वायु नलिकाएं आर्मेचर से होकर वायु का प्रवाह होने देती हैं जो शीतलन उद्देश्य को पूरा करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही है, आर्मेचर कोर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, आजकल विद्युत ऊर्जा को डैश के रूप में उत्पन्न पारेषित और वितरित किया जाता है प्रत्यावर्ती धारा के रूप में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है, चालकता डैश का व्युत्क्रम होता है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, चालकता।
दोस्तों प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है वो चालकता होता है, और प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालक होता है। तो यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध को भी प्रतिरोधकता कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओवरहेड लाइन चालकों के लिए विभिन्न प्रकार के पोल और टावर वाली विशाल संरचनाएं डैश कहलाती हैं। ऑप्शन बी लाइन सपोर्ट, ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रांसफार्मर के प्रत्यक्ष लोडिंग परीक्षण यानी डैश में लोडिंग परीक्षण में डैश ज्ञात करने के लिए परिणामित्र को निर्धारित घंटे के लिए इसकी निर्धारित धारिता के लिए लोड किया जाता है, तापमान वृद्धि, ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 109वां प्रश्न। 150 वोल्ट आरएमएस का 50 हर्ट्ज वाली प्रत्यावर्ती वोल्टेज एक 0.2 हेनरी वाले प्रेरकत्व को स्वतंत्र रूप से प्रदान किया जाता है, तात्क्षणिक धारा के लिए व्यंजक निर्धारित करें। ऑप्शन फोर इसका सही है। आई इक्वल टू 3.37 साइन थीटा 100 पाई टी माइनस पाई अपॉन टू इंटू ए, ठीक है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। 110वां, तापमान में वृद्धि के साथ धात्विक चालक की प्रतिरोधकता बढ़ती है। ऑप्शन बी इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी मोटर की तुल्यकालिक गति ns और वास्तविक गति n के बीच का अंतर कहलाता है स्लिप गति, ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डैश आर्किंग टाइम के दौरान सर्किट ब्रेकर के संपर्कों पर दिखाई देता है आर्किंग वोल्टेज, ऑप्शन बी इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का डैश मान उस अपरिवर्तित डीसी धारा के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है जिसे किसी दिए गए परिपथ में दिए गए समय के लिए प्रवाहित होने पर उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करता है जितनी प्रत्यावर्ती धारा उसी परिपथ में उसी समय अवधि के लिए प्रवाहित होने पर उत्पन्न करती है, आरएमएस, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए 114वां प्रश्न देख लेते हैं। एक ट्रांसफार्मर में भार धारा हानि बी स्क्वायर ऑप्शन फोर है ना के समानुपाती होता है, ठीक है, ऑप्शन फोर के समान पाते होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। 250 वोल्ट 10 किलोवाट पृथक रूप से उत्तेजित जनरेटर में पूर्ण लोड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल 255 वोल्ट है। यदि आर्मेचर ब्रश ड्रॉप प्रति ब्रश 2 वोल्ट है तो जनरेटर की लोड धारा की गणना करें, ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऑप्शन सी इसका 40 एम्पीयर सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निर्वात को आवंटित निरपेक्ष पारगम्यता डैश होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 4π × 10⁻⁷ हेनरी मीटर, हेनरी प्रति मीटर, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। चलिए 117वां देख लेते हैं। एक चार पोल लैप वाउंड वाले डीसी जनरेटर में प्रति पोल 0.06 वेबर का उपयोगी फ्लक्स है। जब यह मूल गति उत्पादक प्राइम मूवर की मदद से 500 आरपीएम की गति से घुमाया जाता है तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल की गणना करें। आर्मेचर में 200 चालक हैं, ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 100 वोल्ट, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विद्युत प्रतिरोध धारा के प्रवाह को डैश प्रदान करता है, विरोध प्रदान करता है, ठीक है, 118वां का डी सही है। विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करते हैं, तो गतिशील रूप से प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, जो विद्युत जनरेटर है या जो कार्य करता है या कार्य करता है गतिशील रूप से प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये ऑप्शन गलत है दोस्तों इसके इस पे, क्योंकि इसका सही आंसर है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है ना। और चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 120वां, आरएल से होकर प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए, परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोधक का मान 20 ओम है, इसका ऑप्शन ए सही है 0.385 एम्पियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 240 वोल्ट डीसी संट मोटर कुल 15 एम्पियर की धारा लेती है, संट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध 150 ओम है और आर्मेचर का प्रतिरोध 0.2 ओम है, आर्मेचर धारा कितनी होगी, तो इसका सही आंसर है 13.4 एम्पियर, ऑप्शन बी इसका सही है। चलिए 122वां देख लेते हैं। निम्न में से किस श्रेणी मोटर में चल प्रणाली होती है जो लगातार परिक्रमण करती है और परिक्रमण की गति उपभोगित शक्ति पावर के समानुपाती होती है, इस प्रकार अनुपातिक माप के लिए परिक्रमणों की कुल संख्या का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही है, ऊर्जा मापी यानी एनर्जी मीटर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 123वां, लेड एसिड सेलों के लिए प्रति सेल नामिक वोल्टेज डैश होता है, ये 2 वोल्ट होता है दोस्तों, लेड एसिड सेलों के प्रति सेल वोल्टेज 2 वोल्ट होता है, ऑप्शन ए इसका सही है। 124वां प्रश्न देख लें। द्वितीयक वितरण प्रणाली डैश द्वारा किया जाता है, 3 फेज 4 वायर, ठीक है, इसमें चौथा वायर जो होता है वो न्यूट्रल का होता है, इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत परिपथ में वोल्टेज धारा और आवृत्ति और फेज एंगल जैसी राशियों के मापन में असामान्य स्थितियों का पता लगाता है जो कि सामान्य और फॉल्ट स्थिति में अलग अलग होते हैं, ऑप्शन
डी इसका सही है, रिले। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक सर्किट ब्रेकर में शून्य धारा पर आर्क वोल्टेज तेजी से परम पर पहुंच जाता है और यह परम वोल्टेज आर्क के रूप में डैश को बनाए रखने के लिए प्रवृत्त होता है। इसका सही आंसर है धारा प्रवाह, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, तो किसी ट्रांसफार्मर की लौ हानि डैश व्यंजक द्वारा ज्ञात की जाती है, ऑप्शन बी इसका सही है। लौ हानि बराबर हिस्टैरिसीस हानि प्लस पावर धारा, ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बैटरियां पी और क्यू समांतर क्रम में जुड़ी हैं और उनके टर्मिनलों पर 10 ओम का लोड जुड़ा है। पी का विद्युत वाहक बल ईएमएफ 12 वोल्ट है और उसका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है। क्यू का विद्युत वाहक बल 8 वोल्ट है और उसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। किरचॉफ के नियम का उपयोग करते हुए बैटरी पी में प्रवाहित होने वाली धारा का मान का ज्ञात कीजिए, है ना। किरचॉफ के नियम क्या कहता है कि किसी एक निश्चित बिंदु पर सभी आने वाली धारा और सभी जाने वाली धाराओं के बाद उस बिंदु पर धारा का मान शून्य होता है, ठीक है, या उसके बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न देख, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1.625 एम्पियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, 129वां। एक 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर पर उस आपूर्ति से संचालित है जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। विरामावस्था में रोटर धारा की आवृत्ति की गणना करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 50 हर्ट्ज, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 130वां। सकेंद्रित ध्रुव सकेंद्रित ध्रुव गैर क्षतिपूरित ध्रुव वितरित क्षेत्र क्षतिपूर्ति प्रकार का निम्न में से किस प्रकार के मोटर का उत्पादन प्रति पद्धतियाँ है। इसका सही आंसर है यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 4 पोल डीसी मोटर में लैप कनेक्टेड आर्मेचर वाइंडिंग है। प्रति पोल फ्लक्स 30 मिली वेबर है। आर्मेचर चालकों की संख्या 250 और 230 वोल्ट की डीसी आपूर्ति से जुड़े होने पर यह 40 एम्पियर की आर्मेचर धारा लेता है। 0.6 ओम का आर्मेचर प्रतिरोध मान पर विरोधी विद्युत वाहक बल बैक ईएमएफ की गणना करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 206 वोल्ट। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से किस एक को छोड़कर शेष सभी वितरण प्रणाली के आवश्यक घटक हैं, यानी सर्विस हेड्स को छोड़कर शेष सभी जो है ये वितरण प्रणाली के मुख्य घटक है। सर्विस मेन्स फीडर वितरक सभी, ठीक है। अगला देखते हैं, मानक अधिसूचना के साथ डीसी मोटर का आर्मेचर टॉर्क होता है 5 × आर्मेचर करंट × पोल × चालकों की संख्या अपॉन 2πa, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसका ऑप्शन डी सही था। अगला प्रश्न देख लेते हैं 134वां। 300/6000 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का प्रतिवर्तन विद्युत वाहक बल ईएमएफ 6 वोल्ट है। प्राथमिक और द्वितीयक वर्तनों टर्न्स की संख्या निर्धारित कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 50 और N2 1000, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन है। चलिए 135वां देख लेते हैं। किसी डिजिटल मल्टीमीटर में एसी वोल्टेज डीसी धारा एसी धारा और प्रतिरोधों को पहले किसी डिवाइस द्वारा समतुल्य डैश में रूपांतरित किया जाता है और फिर डिजिटल वोल्टमीटर की सहायता से मापा जाता है। डीसी वोल्टेज में किया जाता है। इसका ऑप्शन बी डी सही है, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं। जब 2 प्रतिरोधों को समान वोल्टेज से जोड़ा जाता है तो उनमें होने वाली शक्ति का ह्रास अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि प्रत्येक प्रतिरोधक की लंबाई समान है और वे एक ही पदार्थ से बने हुए हैं, लेकिन उनमें से पहले का व्यास दूसरे के व्यास से दोगुना है। प्रत्येक प्रतिरोधक का तार अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल वृत्ताकार होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही है 4, ठीक है। ऑप्शन ए 4 गुना होगी, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देख देते हैं 137वां। इंडक्शन मोटर के संदर्भ में 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में प्रति फेज प्रति पोल 3 स्लॉट होते हैं। यदि आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्मित पोल की संख्या और स्टेटर पर स्लॉट की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका ऑप्शन ए सही है, पोल की संख्या बराबर 6 और स्टेटर पर स्लॉट की कुल संख्या 54 है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अल्टरनेटर और स्टेटर कोर के निर्माण के संदर्भ में निम्न विकल्पों में से डैश को छोड़कर बाकी आर्मेचर स्लॉट के प्रकार की को दर्शाता है। इसका ऑप्शन डी सही है, वक्रित खुला हुआ, ठीक है। अगला देख लेते हैं 139। सर्किट ब्रेकर में जब डैश होता है तो सुरक्षा तंत्र द्वारा खोले जाने वाले पहले सर्किट ब्रेकर के संपर्कों में भारी धारा प्रवाहित होती है। इसका ऑप्शन डी सही है, शॉर्ट सर्किट, ठीक है, ऑप्शन डी। 140वां प्रश्न देख लेते हैं। एक कुंडली में तांबे के तार के 2000 वर्तन हैं और इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.2 mm² है। प्रति वर्तन माध्य लंबाई 80 सेंटीमीटर और तांबे को प्रतिरोधकता 0.02 μΩ है। कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसका ऑप्शन सी सही है दोस्तों 40 ओम,
ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 141वां, डैश को फ्लक्स के समकोण वाले तल से होकर प्रति इकाई प्रवाहित होने वाली फ्लक्स के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही है, फ्लक्स घनत्व यानी फ्लक्स डेंसिटी। अगला देख लेते हैं। एक एसी मोटर में रोटर को उसी तरह से विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर प्राप्त नहीं होता जैसे कि दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में द्वितीयक को प्राथमिक से शक्ति प्राप्त होती है। यही कारण है कि इस तरह के मोटर को इंडक्शन मोटर या प्रेरण मोटर के नाम से जाना जाता है। तो आप नाम से ही जान गए, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। चलिए 143वां देख लेते हैं। एक 150 किलोवाट का संतुलित थ्री फेज स्टार कनेक्टर लोड 1100 वोल्ट 50 हर्ट्ज के लाइन वोल्टेज के साथ 100 एम्पीयर की अग्रता यानी लीडिंग धारा लेता है, प्रति फेज प्रतिबाधा ज्ञात करें। इसका ऑप्शन बी सही है दोस्तों, 26.35, ठीक है, ऑप्शन बी सही है, 6.35 ओम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी विशिष्ट लोड के लिए ट्रांसफार्मर के वोल्टता नियंत्रण को शून्य लोड वोल्टेज के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए जाने वाले शून्य लोड से विचाराधीन लोड के डैश रूप से रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही है, द्वितीयक वोल्टेज में परिवर्तन। चलिए अगला देखते हैं। 145वां, फ्यूजिंग करंट और तार के व्यास डी के बीच का संबंध डैश है जिसके के एक स्थिरांक है जिसे फ्यूजिंग स्थिरांक कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आई इक्वल टू के डी क्यूब अपॉन टू, है ना, के डी के पावर 3.3/2, ऑप्शन सी सही। चलिए अगला देख लेते हैं। 146वां, तुल्यकालिक मोटर के लिए यदि क्षेत्र उत्तेजन फील्ड एक्साइटेशन ऐसा है कि बैक ईएमएफ से वोल्टेज ज़्यादा है ना, तो मोटर को डैश कहा जाता है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अल्प उत्तेजित, अंडर एक्साइटेड। अगला देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का मोटर है जिसमें एक स्टेटर वाइंडिंग होता है, एक रोटर होता है, जिसका वाउंड डीसी आर्मेचर जैसा होता है, कम्यूटेटर और ब्रशों का सेट होता है जो कि शॉर्ट सर्किटेड होते हैं और हर समय कम्यूटेटर के संपर्क में रहते हैं। इसका सही आंसर है प्रतिकर्षण मोटर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। लेड एसिड बैटरी की डिस्चार्जिंग के दौरान जल के निर्माण के कारण बैटरी की विशिष्ट गुरुत्व में कमी होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसका सही दोस्तों 148वां का सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए 149वां देख लेते हैं। केबलों में प्रयुक्त होने वाली विद्युत रोधी सामग्री की की मुख्य आवश्यकता क्या होती है? उच्च विद्युत रोधन प्रतिरोध, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक माध्यम में रखे दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य का बल डैश होता है, ऑप्शन सी इसका सही है, उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। दोस्तों टेक्निकल के 150 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं और प्लीज़ आप अपने जितने भी भाई बंधु हैं सबको ये वीडियो शेयर कर दीजिए और उनसे बोल भी दीजिए और खुद भी चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिया तो कोई करने की जरूरत नहीं, दोबारा वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, छोड़िएगा मत, और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी नॉन टेक्निकल के जो 50 क्वेश्चन है वो भी आपको कुछ टाइम में मिल जाएगा, और जाके चैनल पर विजिट करिए, आपको वीडियो मिल जाएगा ऑलरेडी 50 क्वेश्चनों का जो सेट है, और इस वीडियो को देखिए और प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और कैसा आपका पेपर गया, आपका कितना सही है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।